बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे मैकेनिकल टिप्स। ये भी मशीन ट्राउन स्टॉकिंग पर मशीन है, इसको हम चेक करते हैं। अभी इसका प्रेशर नहीं है। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बैन आइकॉन को लाजमी दबाना। यह भी मशीन आए हुए कहते हैं जो ना कटाई करते करते इसको बन हो गया। अभी इसको हम चेक करते हैं, इसका प्रेशर नहीं है, इसको मुकम्मल खोलते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। अभी इसका हम इंजन खोलते हैं। पहले इसको कवर खोल लें और फिर इसके बाद हम खोल लें कार्बोरेटर वगैरह खोल लें। कार्बेटर खोल लें, ये भी इंजन खुल गया और इसका ये साइड से नज़र आ रहा है, ये बैरिंग का जो अंडर पिस्टन वाले बैरिंग होते हैं ये टूट गया था और ये भी पिस्टन को भी ख़राब किया और इंजन को भी ख़राब किया। ये इंजन है, इसको भी ख़राब किया। ये आपको निशान नज़र आ रहे पिस्टन में पिस्टन को रिंगे फिटिंग करने बस दिस टीप को ये भी पिस्टन फिटिंग हो गया। इसका ये लॉक होते हैं, पिस्टन का जो लॉक होते हैं ये रिंगों के लिए होते हैं। ये अगर सही नहीं होगा तो फिर जो है ना ये रिंग घूमेगा, इसमें प्रेशर नहीं बनाएगा। ये भी इसमें नया पिस्टन लगाया और लगाया भी नहीं लगाएंगे। ये भी इससे पहले जो है ना मज़े निकालने, ये भी दूसरी लगाने जो नया इंजन है उसमें लगाने।
इसको जैन लगाना है, ये अगर जैन नहीं होगा तो ये हवा लेगा। अभी इसको जैन लगा के फिटिंग करने है। जेंटली सिलिकॉन लगा लें, बैठ गया। ये भी सिलेंडर को फिट करने और बिल्कुल टाइट करना है इसको। ये अगर काबली लूज हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा चलते हैं मशीन पर जो है इसको काबली लूज कर देते हैं। ये टाउन इंजन है, टाउन सीसी। ये सिलेंसर काबले है, इसको जैन लाजमी लगाना है। अभी सिलेंसर रिफिट करना है। इसके बाद ये कार्बोरेटर हड्डी होते हैं, इसको फिट करने हैं। ये भी एक्सीलेटर तार लग गया और ये पेट्रोल पंप लग गया और ये ब्लोअर पंप लग गया। जो इंजन से आते हैं वापसी पे जो आवाज़ देते हैं कार्बोरेटर को, ये पंप वो है। अभी स्टार्टिंग
ये भी इसका प्लग शॉट है और ये शॉट हुआ है और अभी इसको नया प्लग लगवाने हैं। मिसिंग कर रहा था ये भी प्लग नया लग गया।